हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंद्रानी और आप सभी को फिर से एक बार मेरे चैनल पे स्वागत करती हूं। आज मैं बना रही हूं महाराष्ट्रियन डेलिकेसी पूरणपोली। इसे त्योहारों में बनाया जाता है और बहुत ही छाव से हर घर में इसे खाया जाता है। इसका टेस्ट इतना बढ़िया है फ्रेंड्स, आप एक बार इसे बना के खाएंगे तो बार बार इसे खाने का मन करेगा। मुझे आशा है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी, तो लाइक करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करिए। जो दर्शक पहली बार आज मेरे चैनल पे आए हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ऐसे मज़ेदार रेसिपीज हमेशा देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं नया रेसिपी लेके आप लोगों के सामने आऊँ आप लोगों को बिना कोई रुकावट मेरी रेसिपीज़ आप लोग देख पाए। फ्रेंड्स, इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही कम सामग्री के साथ और झटपट बनने वाली ये रेसिपीज़ आज बनाना शुरू करते हैं। आइए फिर ज़रूरत का सामग्री देख लेते हैं और फटाफट बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पूरणपोली बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है चना दाल। 250 ग्राम्स चना दाल अच्छे से धो के 2 घंटा मैंने पानी में भिगो के रखा था, अभी पानी से निकाल लिया है और इसे कुकर में बॉईल कर लेंगे। चना दाल मैंने 250 ग्राम्स लिया है और 4 कप पानी डाल के, इस पर नमक वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना है और इसे अच्छे से 2 सीटी आने तक अच्छे से बॉईल होने के लिए रख लेंगे। ज़्यादा भी इसे सीटी मत आने दीजिए, ज़्यादा भी बॉईल नहीं करना है। ये गुड़ लिया है 200 ग्राम्स, मीठा पसंद हो ना पसंद हो तो कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोगों के हिसाब से, पूरणपोली में मीठा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने 250 ग्राम्स चना दाल के लिए 200 ग्राम्स गुड़ का इस्तेमाल किया है। 4 इलायची को कूट के अच्छे से पाउडर बना लिया है। ये देखिए ऊपर का जो छिलका है वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये देखिए अभी छिलके को मैं अलग कर लूँगी, छिलके को फेंक देंगे और अंदर का जो बीज है इसे अच्छे से कूट के पाउडर बना लेंगे। बाहर का जो इलायची पाउडर है उससे घर में बनाए हुए इलायची पाउडर काफ़ी बेहतर है, इसका जो फ्लेवर है और टेस्ट है दोनों में ही ये बेहतरीन है। ये जायफल पाउडर है, इसके लिए मैंने 1 जायफल लिया है, पूरा जायफल इस्तेमाल नहीं करेंगे, आधा जायफल को ऐसे ग्रेट कर लिया है और जितना फाइन पाउडर बना सके बना लीजिएगा। 2 टेबलस्पून सौंफ लिया है, सौंफ को हम थोड़ा सा भून लेंगे तवे में, तवा गरम कर लिया है और मीडियम टू लो फ्लेम गैस में इसे अच्छे से लगातार चलाते हुए 2 से 4 मिनट तक इसे अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए बड़ी सौंफ का जो कलर है वो सुनहरा हो गया है, ये तैयार है और काफ़ी अच्छा इसका स्मेल है। अभी इसे ठंडा होने के लिए अलग से रख लिया है। ये 2 सीटी आने के बाद चना दाल तैयार हो गया है, मैंने गैस बंद कर लिया। अभी पूरणपोली के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 1 कप मैदा और 1 कप आटा, गेहूं का आटा मैंने इस्तेमाल किया है। आप लोगों को अगर ज़रूरत ना लगे तो मैदा का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो भी चलता है। और थोड़ा सा 1 चुटकी भर नमक दिया है और ये मैंने घी 1 टीस्पून घी को अच्छे से मेल्ट कर लिया है और घी के साथ मिश्रण को अच्छे से मिक्स करना है। मैदा डालने से पूरणपोली को बेलने में काफ़ी आसानी हो जाता है और ये फटता नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को मैदा को अवॉइड करना है तो कर सकते हैं, सिर्फ गेहूं के आटे का भी पूरणपोली अच्छा बन सकता है। और 1 कप पानी लेके थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मैंने इसका आटा तैयार कर लिया है, ये देखिए। और इसे किचन टॉवल से ढक के 10 से 15 मिनट सेट होने के लिए अलग से रख लेंगे। जितना पानी लिया था ये देखिए 1/3 पानी रह गया है, इतने में पानी में हो गया है हमारा आटा तैयार। और अभी बड़ी सौंफ ठंडा हो गया है, इसे अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर बनाना है और जायफल का पाउडर को भी मैंने एक साथ इस पे ऐड कर लिया है और इसका ये देखिए पाउडर बना के मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी जो चना दाल है कुकर का ढक्कन निकाल के मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत बढ़िया बॉईल हो गया है। अभी इसे पानी से अलग कर लेंगे। ये देखिए चना दाल बहुत बढ़िया बॉईल हो गया है। और अभी एक फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून घी ऐड किया, घी को मेल्ट कर लिया। पहले घी में मैंने ये इलायची पाउडर डाल दिया है, इसे 5 सेकेंड के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका अच्छा स्मेल आए। और अभी जो बड़ी सौंफ और जायफल का मिश्रण मैंने तैयार कर लिया है इसे ऐड कर लिया है और इसे 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में इसे अच्छे से भून लेना है।
ये मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आएगी, आप लोग अगर बनाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, बहुत बढ़िया स्मेल है, पूरा घर ही महक उठता है ये मिश्रण से, बहुत बढ़िया स्मेल है। अभी मैंने इस पे चना दाल ऐड किया है, अच्छे से मिला लेंगे और एक पोटैटो मैशर के सहायता से इसे अच्छे से मैश करके बिल्कुल ही एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट बहुत ही अच्छा फाइन बनाना है आपको फ्रेंड्स, नहीं तो जब पूरन पोली बनाएंगे तो फट सकता है। जितना अच्छा आप ये मिश्रण का अच्छे से मैश करेंगे उतना ही बढ़िया आपका पूरन पोली का टेस्ट और इसका टेक्सचर बनेगा। ये देखिए अभी मैंने यहाँ पे गुड़ ऐड कर लिया है, गुड़ को अच्छे से मिला लेंगे। जैसे ही गुड़ गर्म हो रहा है धीरे धीरे ये मेल्ट हो रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स लगातार चलाते हुए, गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई पे मत रखिए, मीडियम टू लो फ्लेम में इसे अच्छे से मिक्स करना है। लगातार चलाते हुए इसे मिक्स करते रहना है। आप देख सकते हैं गुड़ मेल्ट हो रहा है फ्रेंड्स। अभी तक अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो लाइक बटन दबाना मत भूलिए। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं गुड़ मेल्ट हो गया है और अभी फिर से पोटैटो मैशर के सहायता से हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। इससे क्या होगा, गुड़ और चना दाल काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाएगा और गुड़ भी अच्छे से मैश हो जाएगा। ये देखिए ये दिखने में अभी तो पाव भाजी का भाजी ही दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को बताऊँ ये मिश्रण जितना अच्छे से आप मैश करेंगे पूरन पोली उतना ही अच्छा बनेगा। ये अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ, जैसे जैसे ये मिक्स हो रहा है वैसे वैसे अच्छे से ये गाढ़ा होता जा रहा है। इसे 10 मिनट्स तक मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। अभी मैंने गैस बंद कर रही हूँ क्योंकि ये मिश्रण बिल्कुल तैयार है, काफ़ी गाढ़ा मिश्रण बन के तैयार है और जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये और भी गाढ़ा होगा। फ्रेंड्स ये देखिए चना दाल और गुड़ का मिश्रण ठंडा होके तैयार है बनाने के लिए पूरन पोली। ये मिश्रण को हम पूरन बोलते हैं। और ये है आटा जो सेट होके तैयार है, थोड़ा सा लूज मैदा लिया है जो बेलने के टाइम में काम आएगा। और आइए फिर पूरन पोली बनाना शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने स्टफ्ड पराठा बनाया है तो पूरन पोली बनाना आप लोगों के लिए बिल्कुल भी टफ नहीं है, आसानी होगा। एक लोई मैंने ले लिया है और इसे पूरी के आकार में बेल लेंगे पहले। और इस पे जो पूरन है ये देखिए चना दाल और गुड़ का मिश्रण जिसे पूरन कहते हैं हम, ये पूरन का एक ऐसे लड्डू बना के लेंगे और इसे बीचों बीच प्लेस करके पूरी को अच्छे से सील कर लेंगे। सील करने के टाइम में केयरफुली करना है, थोड़ा सा भी खराब होगा फट जाएगा तो पूरन पोली अच्छा नहीं बनेगा फ्रेंड्स, और फूलेगा नहीं आपका पूरन पोली तो बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। और इसे सॉफ्ट हैंड से ही बेलना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, धीरे धीरे आप लोग अच्छे से बेल लीजिएगा। ये फटना नहीं चाहिए तो आराम से बेलिएगा, कोशिश करिएगा कि गोल बेले। ये देखिए मेरे दिखाए हुए तरीके से पूरन पोली बेल के आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तवा मैंने गरम करके रखा है और इसे अभी तवा में प्लेस कर देंगे मीडियम फ्लेम में। इसे अच्छे से दोनों तरफ पका लेंगे और बस एक मिनट एक तरफ पकाने के बाद ये देखिए पलट के घी लगा देना है। घी लगाने में कंजूसी नहीं करना है फ्रेंड्स, पूरन पोली में जितना घी लगाएंगे इसका टेस्ट उतना ही बढ़ता है। और पूरन पोली क्या है, आप रोज़ रोज़ नहीं खाते हैं, स्पेशल ओकेजन में बनाया जाता है, त्योहारों में बनाया जाता है, तो घी लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। ये देखिए मैंने घी लगा दिया है और पूरन पोली ना बहुत बढ़िया फूला है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया फूला है। ये देखिए अभी पूरन पोली बन के तैयार है, इसे तवा से उठा के हम प्लेस कर देंगे और इमीडिएट परोसेंगे क्योंकि पूरन पोली को ना गर्मा गर्म ही खाया जाता है। ये देखिए ये पूरन पोली तैयार हो गया और अभी इसे मैंने सर्व करके दिखाऊंगी आप लोगों को चावल और नारियल के खीर के साथ। जो रेसिपी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, आप लोगों को ज़रूरत होगा तो ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स एक बात आप लोगों को याद करा दूँ, जैसे आप परोसेंगे ना गर्मा गर्म मेल्टेड घी पूरन पोली के ऊपर डालना मत भूलिए। आप लोग देख पा रहे हैं घी लगा हुआ है पूरन पोली के ऊपर, ऐसे ही दिखना चाहिए तो ही वो टेस्ट खिल के आएगा। ट्रेडिशनली महाराष्ट्रियन लोग तो इसे घी में डुबो डुबो के खाते थे। चलिए अभी इतना घी नहीं खा सकते हैं लेकिन जितना लगाना है उतना तो हम लगा के खा ही सकते हैं, है ना। वी आर कैलोरी कॉन्सियस पीपल बट स्टिल वी प्रीफर टेस्ट ऑल्सो ना फ्रेंड्स। तो ज़रूर आप मेरे दिखाए हुए तरीके से पूरन पोली बनाइए, गर्मा गर्म खाइए
और खाके कैसा लगा एक कमेंट द्वारा जानने मुझे ज़रूर दीजिए फ्रेंड्स। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन मत दबाना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिए। आज आप लोगों ने समय निकालकर मेरे ये रेसिपी देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द और एक नए रेसिपी के साथ।